आज रक्षाबंधन है, आज सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभेच्छा। इनको ड्रॉप बहुत दिन से, बहुत टाइम से ये सर्च कर रहे थे कि इनको बुकिंग मिलेगी मिलेगी करके, पर बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो वाली हमारी अभी डीजल भरवा लेता हूँ। का डीजल डलवा रहा हूँ, इसमें कितना बैठते हैं क्या मालूम। सात लीटर बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, सात पॉइंट चार। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज 11 तारीख है, 11 अगस्त 2022। आज रक्षाबंधन है, आज सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभेच्छा। आज नारळी पूर्णिमा भी है, जो हमारे में कोई अग्री लोगों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज के दिन वो लोग अपनी समुद्र में नारियल अर्पण करके अपना काम शुरू करते हैं, मतलब अपनी बोट समुद्र में जाते हैं और फिशिंग चालू करते हैं, मच्छीमारी चालू कर देते हैं। तो उनके लिए बहुत ही पवित्र आज का दिन है और हम लोग के लिए रक्षाबंधन बहुत ही पवित्र है। तो दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, 12:15 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी जस्ट मैं निकला हूँ यहाँ से, गाड़ी ऑन कर दिया है, ऑन रोड हो चुका हूँ, देखते हैं कभी तक बुकिंग मिल जाएगी। और मेरी तो कोई बहन नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे रक्षाबंधन राखी बांधा नहीं, मैंने बांधा नहीं है, पर मेरी मौसी की लड़की है, पर वो बहुत दूर रहते हैं तो उनके पास जाना पॉसिबल नहीं आज के डेट पे, क्योंकि कंटिन्यू मैंने इतना दिन से छुट्टी लिया है और फिर अभी जाके उनसे मिलना ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज मैं यहाँ पे ही रुक जाता हूँ और यहाँ से अपना काम शुरू कर देता हूँ। चलो देखते हैं क्या कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, काम शुरू कैसे होगा। अभी जस्ट मैंने ऑन कर दिया है, देखते हैं कभी बुकिंग मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, आपको जल्दी ही अपडेट देता हूँ। चलो चलते हैं। ऐप जैसे ऑन किया था वैसे मुझे बुकिंग लग गई, चेंबूर की बुकिंग है। अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट है। यहाँ से चेंबूर तक का राइड है, कम से कम 35 किलोमीटर हो सकता है, 35 किलोमीटर। तो प्राइम है, प्राइम बुकिंग है, तो इतने दिनों के बाद स्टार्टिंग को ही मेरी प्राइम बुकिंग लग चुकी है। तो अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ। लोकल मार्केट में आज के दिन बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि सब खरीदी के लिए आते हैं, खरीदी करते हैं सब चीज़ की यहाँ पे। आज हर एक छोटे छोटे मार्केट, बड़े बड़े मार्केट में रश होगा, शॉपिंग होगी राखी रक्षाबंधन का। पैसेंजर का पिकअप पॉइंट सब आगे, ये यहाँ पे खड़े हैं लोग। आ रहे पैसेंजर। हाँ चालेल। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं टियक नगर पहुंच चुका हूँ, पैसेंजर को जस्ट ड्रॉप कर दिया। इस राइट की तरफ आपको दिखता रहेगा, ये स्टेशन है टियक नगर स्टेशन, टियक टर्मिनल। और मेरे लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे की तरफ उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है। और यहाँ पे आने के लिए 1 घंटा 10 मिनट लग गए, 35 किलोमीटर के आसपास था, जिसका बिल बनाया प्राइम में 1010 रुपये का, और मुझे 760 रुपये दिया गया है। और एक अच्छी बात हुई मेरे साथ, क्योंकि मैं इनको ड्रॉप बहुत दिन से, बहुत टाइम से ये सर्च कर रहे थे कि इनको बुकिंग मिलेगी मिलेगी करके, पर बुकिंग नहीं मिल रही थी। तो मेरी बुकिंग लग गई।
और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे से बात की कि आप मुझे वापस लेके जाओगे क्या, मैं आधा एक घंटा यहाँ पे रुकने वाली हूँ, उसके बाद फिर से आप मुझे पनवेल ड्रॉप कर दीजिए। तो ऐसा ऐसे चांस मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ मैं एक घंटा तक रुक जाऊँगा, तो अभी देखते हैं कब तक उनका काम हो जाएगा और उनको वापस मैं पनवेल में ड्रॉप कर दूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उनका और थोड़े देर में आपको अपडेट दे देता हूँ। चलो मिलता हूँ थोड़े टाइम के बाद। बैठता हूँ इस जगह पे थोड़ा। सामने की बिल्डिंग में ही बैठे गए वो, 3:30 बजे निकल जाएंगे। थोड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत खतरनाक बारिश थी। पानी गार्डन में अंदर पानी पानी सब जम चुका है। और ये तिलक नगर है, बहुत ही आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आगे गणपति बैठते हैं करके, तिलक नगर का बहुत ही फेमस गणपति है यहाँ का, बहुत पॉपुलर, मतलब इतना पॉपुलर कि बहुत पहले तो यहाँ पे इतना बड़ा गार्डन था ना, उसके पूरा गार्डन इसमें कवर किया जाता था और गणपति का पंडाल बनाया जाता था। और इसकी तैयारी कम से कम 1-1.5 महीने पहले से चलती थी इसका डेकोरेशन बनाने के लिए। बहुत अच्छा एरिया है तिलक नगर। अभी आराम से बैठा हूँ, क्या करूँ, 1 घंटा तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं। घर जाने के लिए यहाँ से पनवेल जाने के लिए 1 घंटा फिर से लग सकता है, 1-1.5 घंटा लगेगा ही, क्योंकि शाम का टाइम है, थोड़ा ट्रैफिक भी हो सकता है। अभी खाना खा लेता हूँ यहाँ बैठ के और देता हूँ आपको अपडेट जल्दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैडम अभी आ चुकी है और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं पनवेल की तरफ। और ये जो आपको राज स्टोर दिख रहा है, इसमें ये गए, इनके रिलेटिव का मामा का स्टोर है ये राज स्टोर, आपको दिख रहा है इसमें गए वो। तो थोड़ा देर यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। पैसेंजर को अभी जस्ट मैंने ड्रॉप कर दिया, यहाँ आने के लिए 1 घंटा 15 मिनट लग गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आने के लिए। और मतलब आज दिन में मेरे 2 ही राउंड हो गए, जिसमें पहला तो ओला की तरफ से हो गया और ये जो राउंड था ये पर्सनल राउंड हो गया मेरा। मतलब बहुत सारे टाइम ऐसा हो रहा है कि पर्सनल लोग मेरे से जुड़ते हैं और मुझे वापस बुकिंग के लिए सामने से अप्रोच करते हैं कि आप मुझे वापस लेके जाइए करके। तो ये ऐसे तो मेरा 10-12 बार हो गया है, तो ज़्यादा ही बार हो गया है, जब से वीडियो भी बना है तब से तो चालू ही है। तो यहाँ से अभी घर पे चला जा रहा हूँ और इनका मैंने अभी 1,000 रुपया चार्ज किया 35 किलोमीटर के लिए, अच्छा ही हुआ। और रक्षाबंधन का टाइम होने के कारण से है ना, तो आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा कुछ कार में कुछ चीज़ अटक गई थी, वो देख रहा था मैं। तो अभी रक्षाबंधन का टाइम है, तो
बच्चे लोग अभी घर पे हैं, तो मेरे मेरे कजन मेरे भाई के बच्चे लोग अभी आएंगे आपस में, वो लोग राखी बांधेंगे, तो अगर वो साथ में रहेंगे तब तक उन्होंने राखी नहीं बांधी रहेंगे, तो वो भी वीडियो अभी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो अभी घर पे चला जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम में मेरा अच्छा अर्निंग हो गया, मतलब सुबह 12 बजे निकला था, अभी 5 घंटे में मैंने 2000 का अर्निंग कर लिया है। तो ठीक है, देखते हैं जो भी है आगे। व्लॉग तो अभी ख़त्म नहीं करूँगा, घर जाके व्लॉग ख़त्म कर दूँगा, आपको उसका अपडेट दूँगा। चलो चलता हूँ घर पे। अभी घर लौटते वक्त अचानक बारिश चालू हो गई है, बहुत ज़ोर की बारिश है, इतना देर से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, पर जैसे मैं घर लौट आया वैसे ही बारिश चालू हो गई, तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू बारिश चालू रहेगी। पूरा अंधेरा हो गया है, शाम के 6 बजने आ चुके हैं और बहुत सारा अंधेरा हो गया है। अभी सोना इकडे ए पाय पड दर्शन दीक्षा इकडे बघ दीक्षा अर्णव हाँ थांब ना वेळ आहे अजून थांब ना
हाय फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ही है कि मैं घर पे आया, फिर अभी आके हम लोग ने यहाँ पे रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किया। इसमें से दर्शील और अर्णव था, दर्शील मेरा लड़का है और अर्णव मेरे छोटे भाई का, और उर्जिता बड़ी बहन है और दीक्षा छोटी बहन है, दोनों ने एक राखी बांधी। अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, और जैसे मैंने कहा था कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो मेरे भाई की लड़की ने मुझे राखी बांधी है आज। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। दोनों काम अच्छा हो सका, मेरे मुझे लगा था कि सुबह जब निकला था तब आज के दिन मैं रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गाड़ी पे जाना पड़ेगा, फिर मुझे कब घर की बुकिंग लगेगी और कब रिटर्न आ पाऊँगा। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जैसे कि आपने देखा कि मुझे ओला की तरफ से एक बुकिंग लगी, उसके बाद एक उनको ही मैं यहाँ पे लेके आया और टाइम पे घर पे पहुँच पाया। तो यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल और आज का सेलिब्रेशन, आज का जो भी सिचुएशन पसंद आया रहेगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बाय बाय, see you tomorrow.